गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। जिस तरह से आप लोगों के सामने अपडेट आ रहे हैं, अब कौन सी 18 अप्रैल आप लोगों के सामने आने वाली है। दोस्तों, सब कुछ साफ और बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ऑन पैसिव सिर्फ और सिर्फ सभी फाउंडिंग साथियों को मूर्ख बना रही है और मूर्ख समझ रही है, और वो भी उन पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख समझ रही है जो सब कुछ जानते हैं, दुनिया को हिला सकने के जिनके अंदर ताकत है उन लोगों को। और ख़ास तौर से इंडियन फाउंडर्स मूर्ख भी बन रहे हैं, और मूर्ख बनाने वाले कौन है, कौन है जिम्मेदार, ये आपको थंबनेल पर दिखाई भी दिया होगा। और हर बार वायदे से क्यों मुकर जाते हैं ऐसर, और इनकी नियत में खोट क्यों है? एक तरफ तो कहते हैं करो और मरो की स्थिति है। दोस्तों, ऑन पैसिव के अंदर आप सब लोग देख रहे हैं लगातार, जो 2018 से लेकर के आज तक सभी फाउंडिंग साथी दिलो जान से लग गए और बहुत बड़ी क्राउड एक इकट्ठी कर दी ऑन पैसिव के अंदर एज ए फाउंडिंग साथियों के रूप में। और आप लोग लगातार देख रहे हैं कि आप फाउंडर बने, एम्बेसडर बने और अब एफिलिएट बना दिए गए हैं। कितना चेंज किया, और आप लोगों जो $97 दिया था वो भी ऑन पैसिव ने अपने पास रखा, और जो भी कुछ किया उस वो मालिक है एसर, और एसर ने क्या किया ये आप लोग जानते होंगे, ये ऐसर जानते हैं। आपका तो फर्ज था पैसे देने का, आप लोगों ने पैसा दिया, फिर आपसे फाउंडिंग शिप के बाद में आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए पैकेज मांगा और आप लोगों ने वो भी दिया। आप लोगों ने जितना भी अपनी तरफ से करना था वो आप लोगों ने किया, मगर इंडियन कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार फाउंडिंग साथी है, मैं ढिल्लन की बात करूं, मैं जस्सी की बात करूं, मैं दिनेश कोटियन की बात करूं, मैं केडी शुक्ला की बात करूं, मैं नीरज दलवी की बात करूं, ये लोग पैनल सजाते थे, महफिल सजाते थे, और महफिल को लूट भी रहे थे और लूटते भी रहे, और अपने इन लोगों ने टीमें भी बहुत बहुत बड़ी कर ली। इसमें आप लोगों को कोई दोष नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने सब जो बाग आप लोगों को दिखा, और आप लोग वहाँ तक चलते चले गए और इतने आगे बढ़ गए कि घर गृहस्थी सत्ता सब कुछ आप लोगों की तबाह हो गई। कितने साथी आज इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, और बेचारे उनके परिवार आज दुख तकलीफ में हैं, इस बात का भी कोई एहसास नहीं कर रहा है। और साथ ही देखिए कि सब कुछ जानने के बाद भी आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है ऑन पैसिव से? क्या ढिल्लन सर का मुंह बंद कर दिया है एस सर ने पैसा दे करके? जस्सी में और ढिल्लन में लड़ाई किस बात की हुई आप सब लोग जानते? पैसे को लेकर के लड़ाई हुई, बंटवारे को लेकर के लड़ाई हुई, और जो ऑन पैसिव टीम चैंपियन के वेबिनार में जो पैसा आता था, तो यूट्यूब के माध्यम से पैसा आ रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पैसा आ रहा था, और जो इवेंट इंडिया के अंदर हो रहे थे उससे जो पैसा आ रहा था, उसमें इन लोगों के खाई बाड़ा शुरू हुआ, और खाई बाड़े से ये सारे लोग एक दूसरे से अलग हो गए। केवल दिखाने के लिए अलग हुए या क्या हुए, ये इन सब लोगों ने मिलकर के फाउंडिंग साथियों का शिकार किया, और शिकार करने के बाद में आप लोगों के लिए आज इनकी बोलतियां बंद हो चुकी। क्यों बोलती बंद होगी? एक अकेले ऐसे कोई नहीं बोल पा रहा है। क्या बात है, क्या आप लोगों ने इंडियन फाउंडर्स को बेच दिया? किस बात के लिए आप लोग खामोश हैं? ढिल्लन सर को तो हमेशा फ़ोटो डालते हैं कि मैं बहुत ऐश के करीब हूँ, गले मिलते हैं, चिपकते हैं मोदी की तरह, और ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचाते हैं, जो भी लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। क्या बात है कि आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो? ये ऐश ने पूरी दुनिया की जो फाउंडर्स आती है उनको बीमार बना दिया, मानसिक रूप से तो बीमार बना दिया। कितने लोग बेचारे असामयिक मौत के शिकार भी हो गए, और ये कुछ आजकल में जो होने वाला है वो भी सभी लोग देखेंगे कि बहुत लॉस होने वाला है ऑन पैसिव के लिए। क्यों लॉस होने वाला है, इसके जिम्मेदार कौन है, एसर की नीयत में क्यों खोट आया? आप CEO है ऑन पैसिव के, 1.4 मिलियन लोग आप लोगों के साथ हैं, और उसके बावजूद भी आपने आज तक इन फाउंडिंग साथियों को कमाने खाने का मौका नहीं दिया। क्यों आपने इन सब लोगों को इतना बड़ा मूर्ख समझा कि कल आ रहा है, परसों आ रहा है, और आपने सब्सक्रिप्शन की आड़ में खूब पैसा कमाया, और उसके बाद में आपने कहा कि हम इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे? आज वो मार्केटिंग क्यों नहीं हो पा रही? बोर्ज खलीफा क्यों आप लोगों ने मार्केटिंग के लिए बंद कर दिया? जब आप मार्केट में अपने सब्सक्रिप्शन को लेकर के नहीं जाएंगे तो बिक्री कैसे होगी? आप मार्केट में अपना ओ कनेक्ट लेकर के नहीं जाएंगे तो बिक्री कैसे होगी? आज जो देख रहे 1.4 मिलियन
सर ये आपकी आपकी वजह से नहीं आया, ये फाउंडिंग साथियों की मेहनत की वजह से इतने 1.4 मिलियन आए हैं। यदि अगर आप आज अच्छे से पैकेज ले आओ, सब्सक्रिप्शन ले आओ, और तो आज फिर ये फाउंडिंग मेंबर 1.4 मिलियन आपके लिए रातों दिन एक करके और पब्लिक को ला सकते हैं। मगर आपकी नीयत में तो खोट दिखाई दे रहा है, आप मार्केट में काम करना ही नहीं चाहते। यदि अगर आप मार्केट में काम करना चाहते तो ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट है, उनके जो सब्सक्रिप्शन है, उसका कमीशन ये चोरों की तरह नहीं होता। दो स्टेप का आपने पे स्ट्रक्चर दे दिया, पहले का 100% और दूसरे का 25%, बाकी जो 75% कहाँ गया? ये क्यों नहीं आप अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे? आपने कहा कि किसी थर्ड मर्चेंट ने आपका पैसा हड़प लिया। तो इतने महामोर के आपकी आप इतने बड़ी कंपनी के CEO बन गए, आपने अभी तक अपने पैसे को अपने पास क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं अपने पास में मर्चेंट बनाया आपने? आप तो वो वॉलेट बहुत बड़ा बना रहे थे, लाखों वीडियोस पर बन गई और दुनिया का सबसे बड़ा वो वॉलेट बन रहा था। आप बैंक में अपने डायरेक्ट पैसा लेते या आपको चोरी चपारी कर रहे थे जो आपने अपने अपने निजी बैंक में पैसा नहीं लिया? ये जनता को मूर्ख बनाने की साजिश कब तक आप करोगे? आपने कहा कि मेरा पैसा मारा गया, मैं नर्क से आया हूँ, नर्क में जा रहा हूँ। ये जिम्मेदारी आपकी थी और ये गलतियाँ आपकी हैं, किसी फाउंडर साथी की नहीं है। वो क्यों असामयिक मौत मरे? वो क्यों सुसाइड करे? वो क्यों परेशानियों में घिर जाए? और आपने कहा, आपने जब जब कहा कि मैं ऐसा करूँगा, आपने जब जब कोई वायदा किया और आप अपने वायदे से मुकर गए। और मुकरने के बाद जो इंडियन यूट्यूबर थे, जो कि मैं उनको गद्दार कहूँगा और उन लोगों को प्लस कहूंगा, वो सफाई देते हैं कि उन्होंने 18 तारीख नहीं कही थी, 18 तारीख के आसपास कही थी ऐसा करेंगे। ये जितने भी हरामखोर यूट्यूबर हैं, ये सोच ले और समझ ले, क्योंकि जिस दिन ये सब बिगड़ेगा तो सबसे पहले हांडिया तुम्हारे घरों में फूटेंगे। अगर ढिल्लन इंडिया में होते तो जरूर अब तक उनके घरों में हांडिया फूटने लगती। जस्सी की शराफत देख करके लोग नहीं बोलते, क्योंकि जस्सी हर किसी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, फोन उठाते हैं। और इसी यही वजह है कि दिनेश कोटियन, KD शुक्ला और नीरज दलवी, ये इंडिया ने, ये तो जरूर भली बात ही सोच ले, अन्यथा जितने भी फाउंडर साथियों को दुख तकलीफ हो रहा है। कि अमरावती में भी आपने देखोगे एक फाउंडर को फोड़ दिया गया, क्योंकि वो बेचारा इतना परेशान था, पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब थी। अपलाइन के घर गया, अपलाइन को कुचला उसने, कूटा और बहुत अच्छे से मारा और FIR हुई है। तो ये सब क्या, ये तो एक वानगी है, आगे और बहुत कुछ हो सकता है यदि अगर आप सुधरे नहीं, अपने वायदे से मुकरे नहीं। और जो आपने कहा वो अब करने का वक्त आ गया है, ना तो आप ट्रैफिक दे रहे हो, ना आप बोनस दे रहे हो, ना आप सब्सक्रिप्शन ला रहे हो। आपने जो कहा वो कभी किया ही नहीं, जिस डेट में आपने चीज़ें देने की कोशिश की वो आपने कभी नहीं की। और आपका बचाव किया ढिल्लन ने, आपका बचाव किया KD शुक्ला ने, नीरज दलवी ने, नगमा ने, साइन हसन ने, कफील खान ने, और जितने भी जो लोग चापलूस यूट्यूबर हैं इन्होंने। अब तो वक्त आ गया, सोच लो आप लोग, और जितना भी फाउंडिंग साथी है उसको भी आज समझने की ज़रूरत है कि इनकी नियत में खोट है। और जितने भी आपके ये सिपा सलार ऑन पैसिव टीम चैंपियन के मंच पर बैठते हैं, ये खास तौर से ये घातक लोग हैं, इनका अपना भला हो रहा है, ये कभी आपके भले की नहीं सोचेंगे। आप लोग बोलना शुरू कर दीजिए, आवाज़ उठाइए, आपकी ID नहीं जाने वाली। जिस ID से कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसी ID जाना चाहे तो चली जाए, ले जाए ढिल्लन सर को, ID खानी है खा लीजिए, मगर किसी की परेशानी कमजोरियों का फ़ायदा मत उठाइए। मूर्ख मत समझिए लोगों को, आपको ID खाने का शौक़ है तो ऐसी ID चली जाए तभी अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए।